Now next interesting examples, observe this case. First one, first case में variable define किया by type variable x plus इसमें assign क्या कराया addition of 10 and 1. Dear, इस 10 और 1 means plus operation case में आपको check करना है plus के case में operand किस format में literal values के form में और variables के form में. First operand क्या इस case में 10, 10 means constant. Second operand कैसा है also 1 means again constant. तो constant के respect में compiler sure है means 10 का meaning compile time पर भी 10 ही रहेगा और run time पर भी 10 ही रहेगा. 1 का मीनिंग ऑलवेज क्या रहेगा 1 मींस नॉट चेंजेबल बिकॉज़ ऑफ कांस्टेंट. देन इस केस में कंपाइलर से और इसका एडिशन 100% क्या आएगा और सभी केसेस में 11 मींस कभी भी इनके वैल्यू मॉडिफाई होना पॉसिबल नहीं और 11 विद इन अ रेंज है इसलिए फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेशन कैसा वैलिड मींस इस केस में कोई भी एरर मैसेज नहीं है. लेकिन सेम ऑपरेशन मैंने सेकंड केस में राइट डाउन किया डिफरेंट टाइप से. डिफरेंट टाइप से मींस फर्स्ट केस में y में 10 असाइन किया उसके बाद परफॉर्म क्या करा y इक्वल्स टू y प्लस 1 देखा जाए तो ये ऑपरेशन भी कैसा ऑलमोस्ट सेम एज फर्स्ट वन क्योंकि y के प्लेस पर रन टाइम पर क्या रिप्लेस हो जाएगा y का वैल्यू 10. लेकिन y का वैल्यू 10 अवेलेबल कब हो रहा है ड्यूरिंग कंपाइलेशन और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूँ किसी भी वेरियबल का वैल्यू अवेलेबल कब होता है रन टाइम पर. तो कंपाइलेशन की बात करें वेरियबल के रिस्पेक्ट में जब भी किसी वेरियबल का वैल्यू रिक्वायर्ड हुआ तो उस केस में कंपाइलर कभी भी ऑपरेशन वैल्यू के रिस्पेक्ट में चेक न करके ऑपरेशन हमेशा रेंज के रिस्पेक्ट में चेक होंगे. इसे इस केस में आपको तो पता है वाई का वैल्यू 10 है लेकिन कंपाइलर के पास इससे रिलेटेड वैल्यू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं. कंपाइलर ओनली वाई प्लस के केस में चेक क्या करेगा रेंज ऑफ वाई इसे चेक करेगा y के केस में जो भी रेंज है कंप्लीट रेंज प्लस 1 मींस y के रिस्पेक्ट में y का टाइप क्या है बाइट और बाइट के केस में इसकी रेंज क्या होगी -128 टू +127. तो इस रेंज में अगर आप 1 ऐड कराते हो तो 1 ऐड कराने के बाद वो सारे रिजल्ट्स y में असाइन करना पॉसिबल है क्या नॉट पॉसिबल. रीजन हो सकता है y का वैल्यू रन टाइम पर क्या रहा हो समथिंग 127 और 127 प्लस 1 का रिजल्ट रेंज में आने के चांसेस है नेवर. यानी इस केस में मींस रिजल्ट क्या आएगा 128 जो कि रेंज में नहीं होगा. मींस आपको पता है फिजिकली 10 है लेकिन कंपाइलर के पास वैल्यू का इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए कंपाइलर हमेशा रेंज के रिस्पेक्ट में चेक करेगा मिनिमम और मैक्सिमम रेंज. इस 127 के अलावा अगर रेंज में से वाई के रेंज में से कोई भी वैल्यू उठाते हो उस केस में सभी केस में ऑपरेशन वैलिड है. केवल इनवैलिड किस केस में होगा अगर वाई का वैल्यू 127 होता है. मींस इसको जस्ट इस बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करोगे सपोज दैट वाई का वैल्यू डायरेक्टली सेंड होगे आप इसको खुद से एज्यूम करोगे वाई का वैल्यू रन टाइम पर कीबोर्ड से रीड कराया गया है तो कीबोर्ड से हो सकता है रन टाइम पर क्या एंटर हो समथिंग 127. तो 127 वाई के रिस्पेक्ट में तो वैलिड है कि नेक्स्ट टाइम अगर इस प्लेस पर एडिशन परफॉर्म करा तो एडिशन का रिजल्ट क्या आएगा 128. रीजन क्लियर दैट्स वाई कंपाइल टाइम एरर. इसमें सेकंड केस में रेंज क्या हुआ कंपाइल टाइम एरर पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड इन रिक्वायर्ड बाइट. इसे डायरेक्टली असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है. देन इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन क्या फाइनली टाइप कास्टिंग. अब क्वेश्चन है टाइप कास्टिंग किस टाइप से कराओगे फर्स्ट केस मीन्स अगर सेमी से करेंटली से प्रोग्राम का आउटपुट या कंपाइलेशन क्या है फेल्ड कंपाइल टाइम एरर. अब मैं डिफरेंट वे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सेकंड केस टाइप कास्टिंग केस में इसको राइट डाउन करने का वे क्या होगा असाइनमेंट किस में हो रहा वाई में और वाई का टाइप क्या है बाइट इसलिए टाइप कास्टिंग किस में करेंगे बाइट के फॉर्म में. अगर आपको याद हो मैंने सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था टाइप कास्टिंग इज एन यूनरी ऑपरेटर. तो आपको जब एक्सप्रेशन सॉल्व करो तो एक्सप्रेशन हमेशा ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी फॉलो करके सॉल्व करना होगा. मीन्स अगर आपको आपने टाइप कास्टिंग नहीं पढ़ा है फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूँ. टाइप कास्टिंग इज एन यूनरी ऑपरेटर और सभी यूनरी ऑपरेटर का प्रायोरिटी ऑलमोस्ट कैसा है कंपेयर टू बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर कंपेरिजन में हाईएस्ट पार्टी किसका हुआ यूनरी. तो इस केस में मैंने यूज किया समथिंग वाई प्लस वन. इज इट वैलिड और इनवैलिड इनवैलिड अगेन. इसे टाइप कास्टिंग ऑपरेशन कैसा है इनवैलिड. रीजन इस ऑपरेशन और एक्सप्रेशन में टोटल 3 ऑपरेटर्स यूज हुए असाइनमेंट टाइप कास्टिंग और प्लस हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है टाइप कास्टिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यूनरी. तो पहले वाई वाई के लिए टाइप कास्टिंग हो जाएगा तो वाई के लिए टाइप कास्टिंग होने के बाद वाई का टाइप क्या कन्वर्ट होगा इसका एज अ बाइट प्लस वन वन अभी भी वन ही रहेगा. मीन्स टाइप कास्टिंग ओनली किसके लिए हो रहा है वाई के लिए नॉट फॉर रिजल्ट. तो वाई तो वाइट में कन्वर्ट हो गया वाई ऑलरेडी वाइट था कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं थी लेकिन वन का टाइप क्या है इंटीजर. इसका रिजल्ट भी किस फॉर्म में आएगा इंटीजर. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था
जब भी इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आता है तो यहाँ एक्सप्रेशन का रिजल्ट किस फॉर्म में होगा, आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑपरेंड। फर्स्ट ऑपरेंड y था, सेकंड ऑपरेंड 1, y का टाइप क्या, बाइट। टाइप कास्टिंग के बाद भी क्या रहेगा, बाइट। 1 का टाइप क्या, इंटीजर। तो इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर। और इंटीजर को बाइट में असाइन करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल, डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल नहीं, या टाइप कास्टिंग के बाद असाइन करना पॉसिबल। टाइप कास्टिंग ऑलरेडी पहले ही परफॉर्म हो चुका है, उसके बाद एडिशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद रिजल्ट इंटीजर के फॉर्म में रेज हुआ है। इस केस में परफेक्ट वे क्या रहेगा, मीन्स इस केस में प्रीवियस केस में प्रॉब्लम क्या था, पहले टाइप कास्टिंग हो रहा देन एडिशन, जबकि परफॉर्म क्या कराना, पहले एडिशन करा के रिजल्ट जनरेट करना देन टाइप कास्टिंग। तो प्रायोरिटी कंट्रोल करने के लिए यूज क्या करेंगे, ब्रैकेट। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ टाइप कास्टिंग। फाइनली अगर इस प्लेस पर मैं राइट डाउन करता हूं, टाइप कास्टिंग इन टू बाइट देन वाई प्लस वन, अब ये ऑपरेशन कैसा है, वैलिड। अब चेक करते हैं मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशन इंटरनली कैसे परफॉर्म हो रहा है। फर्स्ट वन, सबसे पहले मैं बात करूंगा वाई, वाई क्या है, वाई टाइप वेरिएबल। वाई के लिए टोटल इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, केवल वाई के रिस्पेक्ट में चेक करना है। वाई के लिए जब मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, वाई के केस में टोटल बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, ओनली 1 byte, और वी कैन से 8 bits। वाई के लिए स्पेस कितना एलोकेट हुआ, ओनली 8 bit, प्लस 8 bit में असाइन किया, और 10 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 1010। रिमेनिंग बिट्स क्या आएंगे, 0000। क्लियर। नेक्स्ट वन, सिमिलरली अब जब एडिशन परफॉर्म हुआ, पहले टाइप कास्टिंग बाद में कराएंगे पहले एडिशन, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में टू ऑपरेंड यूज हुए वाई, तो वाई प्लस के केस में, वाई प्लस वन के केस में वाई के प्लेस पर क्या आएगा, वाई का बाइनरी नंबर। वाई का बाइनरी नंबर क्या है, दैट वन, मीन्स वाई के प्लेस में वाई का बाइनरी नंबर राइट डाउन करो, क्योंकि इंटरनली मेमोरी में ऑपरेशन भी किस फॉर्म में होंगे, बाइनरी फॉर्मेट में, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। दिस इज द फर्स्ट ऑपरेंड, देन सेकेंड ऑपरेंड क्या है, वन, लेकिन वन का टाइप इंटीजर है, इसलिए वन का बाइनरी नंबर कितनी बिट्स में राइट होगा, अकॉर्डिंग टू इंटीजर 32 bits, मीन्स ये वैल्यू किस फॉर्म में, 32 bits में, दिस वन इज 8 bits, तो 8 bits मीन्स 32 bits में कन्वर्ट करने के लिए रिमेनिंग बिट्स आप एज्यूम कर लोगे, एज 0000, like that and so on. This is representation of one or binary number of one, plus ये binary number किसका है, y का। अब इनको add कराना possible है directly, not possible, reason क्योंकि y कितने bits में, 8 bits में, means in beginning 8 bits को add कराने के लिए two operand available, लेकिन जब इसे 0 को add कराओ तो 0 के corresponding कोई 0 found हो रहा है या कोई भी bit found हो रहा नहीं, तो इस केस में क्या रहेगा, जब भी 32 bit data को 8 bit से add करना possible ही नहीं, इस केस में need क्या होगी, या तो आप 32 bit को 8 bit में convert करो, या फिर 8 bits को 32 bit में convert करो, क्यों, addition के लिए जब bits add होंगे तो plus के केस में कितने bits required होंगे, as a two operands, means 2 bits, तो रिमेनिंग बिट्स के केस में अगर आप 32 बिट को 8 में कन्वर्ट करो, देन अगेन इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर 8 बिट्स को 32 में कन्वर्ट करोगे, देन इस केस में कोई डेटा लॉस्ट होने के चांस है, नो। तो उसका मतलब क्या, मीन्स इस केस में वाई को 32 बिट में कन्वर्ट करेंगे देन ओनली एडिशन पॉसिबल होगा, इसलिए इसका एडिशन का रिजल्ट भी कितने बिट्स में आएगा, 32 bits में। यही रीजन था इस रिजल्ट को डायरेक्टली वाई में असाइन करना पॉसिबल नहीं था विदाउट टाइप कास्टिंग। क्लियर। तो इस केस में 8 bits को 32 bits में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट केस है यहाँ स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ रिमेनिंग डिफॉल्ट बिट्स क्या इंसर्ट होंगे, मीन्स यहाँ कन्वर्जन एक्सटेंड किसको कर रहे हैं, वन को या वाई को, वाई के वैल्यूज को। और वाई के केस में जब भी रिमेनिंग एक्स्ट्रा बिट्स इंसर्ट कराओगे किसी भी वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ एक्स्ट्रा बिट्स से डिपेंड करेगा जिस डेटा को आप एक्सटेंड कर रहे हैं उसका साइन बिट क्या है। सपोज दैट अगर यहाँ y का साइन बिट 1 होता तो सारे के सारे डिफॉल्ट बिट क्या इंसर्ट होते, 1, लेकिन y का साइन बिट क्या, 0, इसलिए इंसर्ट क्या हुआ, डिफॉल्ट बिट्स है 0। स्पेशली यहाँ रखना, इस टाइप के एग्जांपल्स भी नेक्स्ट केस में एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब एडिशन करना पॉसिबल है, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0 1, रिमेनिंग ऑल टाइम्स 0 0 0। अब क्वेश्चन है कि इस केस में रिजल्ट कितने बिट्स में आया है, नीचे 32 बिट को 32 बिट के साथ ऐड किया तो रिजल्ट भी कितने बिट्स में, 32 बिट्स, प्लस रिजल्ट करंटली अवेलेबल किस प्लेस पर, समथिंग सम टेम्प्रेरी प्लेस इन द फॉर्म ऑफ 32 बिट्स, लाइक दैट। देन एडिशन के बाद अब परफॉर्म क्या होगा, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, सिंपली इसका बाइट में टाइप कास्टिंग हो तो बाइट्स के अकॉर्डिंग,
ओनली इसके राइट मोस्ट 8 बिट्स कंसीडर होंगे, रिमेनिंग बिट्स कंसीडर होंगे जा रिमूव्ड बिट और लॉस्ट इंफॉर्मेशन। सेव कितने बिट्स हुए हैं? ओनली 8 बिट्स बेस्ड ऑन दिस टाइप कास्टिंग। देन टाइप कास्टिंग के बाद जो भी न्यू रिजल्ट आया टेम्परेरी प्लेस पे, न्यू रिजल्ट असाइन किस में जाएगा? वेरिएबल y में। तो y को फिर से अपडेट करने की नीड है, इस y का ओल्ड इन्फॉर्मेशन रिप्लेस किस से हो जाएगा? न्यू से। इस अगर यहाँ टाइप कास्टिंग नीड थी, उसका मेरिजन क्या था? क्यों जब मैंने इंटीजर के फॉर्म में एडिशन परफॉर्म कराया तो एडिशन का रिजल्ट इनिशियली कितने बिट्स में था? 32 बिट्स में। और जबकि असाइनमेंट कितने बिट्स में हो रहा था? ओनली 8 बिट्स, 1 1 0 1 0 0 0 0। जब इसका रिजल्ट डिस्प्ले कराएंगे, अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन के थ्रू वाई को डिस्प्ले कराने की ट्राई करो, वाई का साइन बिट 0 मीन्स नंबर इज पॉजिटिव। डेसिमल वैल्यू क्या आएगा इसका? 11। इस केस में आउटपुट भी क्या प्रिंट होगा? ऑल्सो 11।